कौन सी ऐसी खास चीज है जिससे इंग्लिश बोली जाती है, या कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इंग्लिश बुलवा सकती है? विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू स्पीक? सेकेंड, ग्रामर में टेंसेस भी आ जाते हैं, सही है? अच्छा भाई, एक वक्त में एक ही बता सकते, एक चीज बतानी आप? चलो ग्रामर हो गई, आपकी भी ग्रामर। ओके, योर टर्न, कुछ भी बोल दो अपनी में। कुछ भी, जो दिल करे वो बोल दो। देखो हम यहाँ सीखने आए, वी आर देयर टू लर्न समथिंग न्यू, हम यहाँ कुछ नया सीखने आए, बट यू हैव टू यूज योर ब्रेन नॉट माइंड। आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना, मेरा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। आप कितने क्लेवर हो ये आप, आपकी जबान बताए। लैंग्वेज, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वोकैबुलरी, ग्रामर। माय आंसर इज ओनली लिसनिंग एंड कॉन्फिडेंस। व्हाई? व्हाई लिसनिंग एंड कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी? ओनली टू थिंग्स आई हैव सेड टू यू। मैं सिर्फ दो चीजें आपको बता रहा हूं, मैंने सिर्फ दो चीजें आपको बताई हैं, कॉन्फिडेंस, एतमाद, एंड सेकेंड थिंग लिसनिंग। देखो, व्हेन यू आर अ चाइल्ड, जब आप बच्चे होते हो, यू नेवर लर्न ग्रामर। डू यू नो, डू यू लर्न उर्दू ग्रामर? क्या आपने उर्दू ग्रामर सीखी है? सो हाउ कैन यू स्पीक उर्दू? आप कैसे फिर बोलते हो? सुनते सुनते आ गए। देखो, द मेन पॉइंट इज सुनते सुनते आ गए। तो सुनना सबसे अहम चीज है, लेकिन सिर्फ सुनना नहीं है, बोलने के लिए, फॉर स्पीकिंग यू नीड टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। क्योंकि मसला सारा यहाँ पे आता है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा जिनको अंग्रेजी आती है लेकिन बोलते नहीं, या हिचकिचाते हैं, या उनके उनके साथ बोलने वाला कोई नहीं है। हम 3 महीने लगाए या 6 महीने लगाए, लेकिन हम अंग्रेजी सीखेंगे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए और सुनने के लिए। हम सीखेंगे किस तरीके से? वी लर्न थ्रू लिसनिंग एंड वी बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस। ये दो चीजें अगर हमारे पास आ जाए, इफ वी हैव कॉन्फिडेंस एंड लिसनिंग पावर, तो हम आसानी से अंग्रेजी बोलेंगे। वी कैन इजीली स्पीक इंग्लिश। आपके लिए कल के लिए एक सवाल है, हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ मेनी साउंड्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, मेरा कल के लिए सवाल है। एक सवाल, देखो नॉलेज अगर इंसान के पास ना हो कुछ नहीं कर सकता, कि इंग्लिश अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट हैं, यानी कितने लेटर्स हैं और कितने साउंड्स हैं, यानी जैसे ए बी सी, ये लेटर्स हो गए, सही है, अल्फाबेट्स। दूसरी चीज़ साउंड्स, यानी ए ये साउंड है, तो कितने साउंड है,